अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं चार तरीके के मिल्क शेक, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं। इसमें मिल्क शेक, शरबत, सिकंजी बहुत ही फायदेमंद होता है और बहुत हेल्दी भी होता है। तो इस चार तरीके के मिल्क शेक आज हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एप्पल मिल्क शेक, जिसके लिए मैंने ये आधा सेब, इसको मैंने छील कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सबसे पहले हम ये ऐड कर देंगे इसमें, और मैंने ठंडा दूध लिया है। अगर आप ठंडा दूध नहीं ले रहे हैं तो आप उसमें आइस क्यूब का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम डाल देंगे एक गिलास दूध, मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हम एक बड़े चम्मच, डेढ़ चम्मच हम चीनी डाल देंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये मैंने इसको कुछ सेकंड के लिए चला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप, आप चाहें तो रोज सिरप का भी यूज कर सकते हैं। तो एक चम्मच के करीब हम इसको ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून के करीब, और इसको हम एक बार फिर से हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमारा एप्पल शेक बनकर तैयार हो गया है। तो इसको हम ग्लास में गार्निश कर लेंगे। आप चाहें तो आइसक्रीम का भी यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे आइसक्रीम नहीं ली है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता लिया है। तो थोड़े थोड़े से हम इसको लगा देंगे, थोड़े से हम कटे हुए सेब के टुकड़े ऐड कर देंगे। देखिए हमारा एप्पल शेक बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। अब हम बनाएंगे अपना दूसरा मिल्क शेक। अब हम अपना दूसरा शेक बनाएंगे, तो ये है बनाना शेक। एक केला हम लेंगे, इसको हम तोड़कर इस तरीके से डाल लेंगे, और इसमें हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, बाकी हम ऊपर से गार्निश भी करेंगे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल लेंगे एक चम्मच घर की मलाई, आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही क्रीमी हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार होगा। इसमें हम ले लेंगे चीनी एक चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं, और इसी में ऐड कर लेंगे हम एक गिलास दूध। दूध हमने ठंडा लिया है इसलिए हम आइस क्यूब का यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल दूध ले रहे हैं तो आप उसमें आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। देखिए हमारा दूसरा मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो गया है, बनाना मिल्क शेक। इसको भी हम गिलास में डाल लेंगे इस तरीके से। इस पर हम डाल देंगे थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है और सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है और सबको पसंद भी आती है इस तरीके से। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप ऊपर से इस तरीके से, देखिए हमारा बनाना शेक भी बनकर तैयार हो गया। अब हम अपना तीसरा मिल्क शेक बनाएंगे। अब हम अपना तीसरा मिल्क शेक बनाएंगे जो कि है ऑरेंज मिल्क शेक। तो यहाँ पे मैंने एक संतरे का पल्प निकाल लिया है, इसके मैंने बीज हटा दिए हैं। इसको हम डाल देंगे मिक्सर जार में, मैंने सब सारे जूस में सेम गिलास दूध डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे एक गिलास के करीब दूध, इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच चीनी, आप मीठा ज्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और डाल लें। इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच मलाई, इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। ये हमारा तीसरा शेक बनकर तैयार हो गया है ऑरेंज शेक, इसको भी हम गिलास में निकाल लेंगे तरीके से, और इस पर भी हम डाल देंगे थोड़े से ऑरेंज के पल्प जो हमने निकाल के रखे थे, और थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स तरीके से। ये भी आप ये मिल्क शेक बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है पीने में ऑरेंज का इस तरीके से। थोड़े से कटे हुए पिस्ते, वो भी हम गार्निश कर देंगे। अब हम बनाएंगे अपना चौथा मिल्क शेक, ओरियो मिल्क शेक। अब हम बनाएंगे अपना चौथा मिल्क शेक, ओरियो मिल्क शेक। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 पीस ओरियो बिस्किट के लिए हैं, आप किसी भी फ्लेवर के ओरियो बिस्कुट ले सकते हैं।
तो यहाँ पे हम सबसे पहले बिस्किट तोड़कर डाल लेंगे, हमें इसका क्रीम नहीं हटाना, क्रीम के साथ ही पीसना है। चीनी का हम कम यूज करेंगे, या ना भी करे तो चलेगा। तो इस तरीके से हमने 5 से 6 बिस्किट डाल दिए हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे 1 चम्मच चीनी, इसी में हम डाल देंगे 1 गिलास दूध, और इसी में ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच मलाई। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मजेदार सा मिल्क शेक बनकर तैयार होता है। इसको हम एक बार फिर से चला लेंगे। देखिए हमारा ओरियो मिल्क शेक भी बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। इसको भी हम गिलास में निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैंने चॉकलेट सिरप लिया है हर्शीज का, इसे हम गिलास को गार्निश कर लेंगे सबसे पहले इस तरीके से। ये देखने में बहुत प्यारा लगेगा, बच्चों को बहुत ही ज्यादा ये पसंद आता है इस तरीके से। अब इसमें हम शेक डाल देंगे हमने जो बनाया है, देखिए। और ये मिल्क शेक हमारा मजेदार सा बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें अगर पसंद है तो आप थोड़ा सा ऊपर से भी डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे हल्के से, देखिए हमारा ओरियो मिल्क शेक बनकर तैयार हो गया है। इस तरीके से हम तोड़कर डाल देंगे ओरियो बिस्किट। जब हम मिल्क शेक पियेंगे तो थोड़े थोड़े से इसके वो चंक्स मुंह में आएंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके से हम तोड़कर डाल लेंगे। तो देखा हमारे चारों तरीके के मिल्क शेक बनकर तैयार हो गए। कितना आसान है बनाना, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो इस समर सीजन में आप इसको जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज हमारी ये वीडियो भी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और आप अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि हमारी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।